नमस्कार, आज हम बात करेंगे कि बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद किस प्रकार का फॉलोअप मरीज को करना होता है। तो बहुत सारे मरीज हमसे सवाल पूछते हैं कि सर्जरी तो आपके सेंटर पे हो जाएगी, लेकिन हमें कितने समय बाद आकर आपको फिर से दिखाना होगा। और ये जो सवाल है, ये उनका सवाल इसलिए भी रहता है क्योंकि काफ़ी सारे मरीज जो हैं वो इंदौर से दूरस्थ इलाकों से हमारे यहाँ आते हैं और ये सर्जरी कराते हैं। तो साधारणतः हम मरीजों को जो एडवाइस करते हैं और जो हमारे प्रोटोकॉल में है, वो ये है कि सर्जरी के 3 माह बाद उनका पहला फॉलोअप होना चाहिए। उनको एक बार सेंटर पे ही आके, भले ही वो कितनी भी दूर से सर्जरी कराने आए हों, लेकिन ये एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट सर्जिकल प्रोसीजर है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसके रिजल्ट्स हैं। तो फर्स्ट फॉलोअप इन मरीजों को उसी सेंटर पे करना चाहिए जहाँ सर्जरी हुई है, क्योंकि वहाँ पर न केवल कि ये सर्जन से मिल सकते हैं बल्कि पूरी टीम वहाँ पर उपलब्ध होती है, जैसे कि डाइटिशियंस, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और भी जो लोग होते हैं वहाँ उपलब्ध होते हैं। तो ये सब 3 माह में वो पहले जाके दिखा सकते हैं। उसके बाद 6 माह, 1 साल, 2 साल, 3 साल और फिर हर साल मरीज को दिखाना चाहिए। इन फॉलोअप्स को हम बहुत कंपल्सरीली नहीं लेते हैं क्योंकि जो मरीज बाहर से आते हैं कभी कभी उनके लिए कन्वीनियंट नहीं होता है, बट यदि वो अपने प्राइमरी सेंटर पे 3 माह बाद एक बार न भी आ पाएँ, तब भी 6 माह, 1 साल, 2 साल, 3 साल और हर साल अपने ब्लड के टेस्ट्स जरूर रिपीट कराएं और उन ब्लड के टेस्ट्स की जानकारी आपको अस्पताल में डॉक्टर या स्टाफ या डाइटिशियन कोई भी आपको उपलब्ध करा देगा। वो जानकारी आपके डिस्चार्ज टिकट में भी अच्छी तरीके से प्रिंटेड रहती है, उसको ठीक तरीके से पढ़ें और उस जानकारी के हिसाब से आप अपने टेस्ट कराएं और उन टेस्ट को आप हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। तो उन टेस्ट में यदि किसी भी प्रकार के न्यूट्रिएंट की कमी आएगी तो स्टाफ आपको तुरंत कम्युनिकेट करके उसको करेक्शन करने के तरीके आपको बताएगा। फॉलोअप पे जब भी आप आएं तो ये ध्यान रखें कि जल्दी ना करें। फॉलोअप जब भी मरीजों का किया जाता है उसमें समय लगता है, पूरा एक दिन भी आपका लग सकता है, तो नेक्स्ट डे का ही रिजर्वेशन करा के आएँ और खाली पेट ही आएँ। कोशिश करें कि फॉलोअप के लिए अस्पताल आने में आप देरी ना करें, सुबह 10 बजे के पहले ही आप वहाँ पहुँच जाएँ, जिससे कि आपकी एंडोस्कोपी और बाकी बिना कुछ खाए हुए खून की जाँच इमीडिएटली ली जा सके। बाकी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको स्टाफ द्वारा समय समय पर दिए जाएँ।